इस वक्त की चुनाव की सबसे बड़ी खबर, महेंद्र सिंह रावत ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। माना जा रहा है कि महेंद्र सिंह रावत ने यहां पर दो नामांकन पत्र दाखिल करवाए हैं और एक नामांकन पत्र रैली के पश्चात फिर दाखिल करवा सकते हैं। तो ऐसे में नामांकन पत्रों की बात करें तो यहां पर अब तक इंदर सिंह बागावास और महेंद्र सिंह रावत दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। महेंद्र सिंह रावत ने निर्वाचन विभाग कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंप दिया है। हालांकि रैली का आयोजन होना था, लेकिन रैली से पहले यहां पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया है और उसके बाद यहां से रैली का आयोजन, जो कि कृषि मंडी स्थित जो रावण दहन स्थल है वहां से रैली का आयोजन हो रहा है, उससे पहले यहां पर नामांकन पत्र महेंद्र सिंह रावत ने दाखिल करवा दिया है। तो ऐसे में रैली में भी युवाओं का जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ एक बार फिर महेंद्र सिंह रावत जमकर गरजे हैं, बरसे हैं। उन्होंने तमाम आरोपों की बौछार करते हुए आलाकमान को संदेश दिया है कि आखिरकार पार्टी एक बार फिर सोचकर 52 में भाजपा की सीट को बचा सकती है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफत की सुर जो दिखाई दिए हैं वो बहुत ही आक्रोशित लहजे में दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह रावत देव दर्शन यात्रा दिनों पूर्व कर आए थे, ऐसे में तमाम जो ग्रामीण लोग थे उनका समर्थन मिलने के चलते महेंद्र सिंह रावत ने निर्दलीय ताल ठोकने की बात कही थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए भाजपा प्रत्याशी पर भी जमकर बरसे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महेंद्र सिंह रावत ने नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। इससे पूर्व इंद्र सिंह बागावास भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा चुके हैं। तो ऐसे में भाजपा से बागी उम्मीदवारों के रूप में दोनों चेहरों को देखा जा रहा है। अब सवाल बड़ा कि क्या भाजपा को ये दोनों निर्दलीय उम्मीदवार नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं। ब्यावर विधानसभा की जनता जानती है, पिछले 15 साल में ब्यावर का विनाश हुआ है, एक भी उपलब्धि माननीय विधायक मोदी की नहीं है। मैंने सारे मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से आप मीडिया के माध्यम से आह्वान करूंगा, 9 तारीख 3 बजे से पहले अगर आप सिंबल चेंज करते हो तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल सकती है, अन्यथा इस बार ब्यावर की सीट निर्दलीय के खाते में जाएगी। आपने शंकर सिंह रावत के खिलाफ आरोपों की बौछार करी है, ये क्या नाराजगी है या बगावत है, क्या कहेंगे आप इसको? ना तो नाराजगी ना बगावत है, ये हकीकत है जो पूरी विधानसभा की जनता जानती है। मैं तो खुले मंच पे कह रहा हूँ, अभी भी समय खुला मंच तैयार है, आ जाओ आप उपलब्धि गिना दो 15 साल की, मैं तैयार हूँ। भाजपा से नाराजगी नहीं है? भाजपा से नाराजगी नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, मोदी तो से बैर नहीं, शंकर सिंह तेरी खैर नहीं, शंकर सिंह भगाओ ब्यावर बचाओ, शंकर सिंह भगाओ मगरा बचाओ, शंकर सिंह भगाओ भल्या बचाओ, शंकर सिंह भगाओ रावत समाज बचाओ। रावत समाज के लोगों के साथ कुठाराघात हुआ है, नेताओं के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया गया है, जिसमें मैं स्वयं शामिल हूँ। कम से कम 10 वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आज उनको घर बिठा दिया, इन्होंने धन बल से पैसा दिया, चाहे प्रधान का चुनाव हो चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, बिना पैसा आज जिंदगी इन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया और ब्यावर का विनाश किया है। ये जब सत्ता आती है तब लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और जब सत्ता नहीं होती ब्यावर जिला बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, एक सिंगल उपलब्धि इनकी पिछले 15 साल के कार्यकाल में नहीं है। एक सिंगल ब्यावर शहर में एक सर्किल नहीं बनाई, हॉस्पिटल नहीं बनाया, गर्ल्स कॉलेज, स्कूल कॉलेज, कोई भी किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो, कुश्ती के क्षेत्र में हो, किसी भी, सफाई कर्मचारियों की हालत बहुत ख़राब है, ब्यावर की सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, पानी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, आप देख रहे हो कैसी, हर विभाग में लूटमार मची हुई है। आप इस तरह, मैं आपसे और निवेदन कर रहा हूँ, गौशाला की जो 80 बीघा ज़मीन है उसका मीडिया के माध्यम आप भी पता लगाओ, गौशाला की जमीन प्रशासन के माध्यम से यहाँ के नेता मिलके खा गए, उसके पट्टे जारी हो चुके हैं। जब जो व्यक्ति गौशाला की जमीन खाता है, आज विधानसभा की जनता जो गायों का नहीं हुआ, जो धर्म का नहीं हुआ, जो ब्यावर का नहीं हुआ, वो ब्यावर का कभी भला नहीं कर सकता। आप जीतने की गणित बता रहे हैं या हराने का समीकरण बता रहे हैं? मैं जीतने की गणित बता रहा हूँ, आप देख लो मीडिया के माध्यम से, मेरे सोशल मीडिया पर उठा के देख लो, ब्यावर के सारे 46 ग्राम पंचायतों में और ब्यावर के सारे वार्डों में किस तरह लोग भव्य स्वागत हो रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा, मैं तो झोली फैलाकर विधानसभा में जा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, धनबल से टिकट आया, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं इस फकीर को अगर जनता अगर आशीर्वाद दे रही है तो आप समझ सकते हो, पैसे से लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ना पैसे से मैं स्वागत करा रहा हूँ, ना पैसे से मेरे पास भीड़ आ रही है, मेरे पास 1 रुपये नहीं। समाज और क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है 36 करोड़ की।